अरे ये मुंडी बैटमैन तो कमाल का भविष्य लिखती है। रश्मि रश्मि, क्या है राहुल? देखो ये मुंडी ने मेरे भविष्य में क्या लिखा है। क्या लिखा है? ये वीक मेरा गोल्डन वीक है, इसमें मैं करोड़पति भी बन सकता हूँ, लेकिन सावधान, ज्यादा लालच मत करना। सिर्फ लास्ट लाइन सही लिखा है। वो छोड़ो, तुम मुझे 10,000 रुपए दे दो, मैं आज के आज सीटीएल कंपनी के शेयर्स खरीदूंगा। राहुल, शेयर बाजार की हालत वैसे इतनी खराब है, तुम शेयर्स खरीदकर फटीचर से भिखारी क्यों बनना चाहते हो? रश्मि, फटीचर से भिखारी बनने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सोचो जैसे इसमें लिखा है वैसे अगर मेरी किस्मत चमक उठी तो मैं करोड़पति भी बन सकता हूँ ना। तुम और करोड़पति, राहुल तुम्हारे हाथ में मनी लाइनी गायब है। तो क्या हुआ, वो तो हेरिडिटरी है, हमारे पूरे खानदान में किसी के हाथ में मनी लाइन है ही नहीं, फिर भी हम लोग कितने अमीर है। ए, जाओ जाओ, तुम्हारा पूरा का पूरा खानदान ही फटीचर है। बोलो, हमारा मतलब है मैं भी फटीचर हूँ? हाँ, क्योंकि इसके नीचे और कोई ग्रेड है ही नहीं, वरना वो डिग्री भी मैं तुम्हें दे देती। रश्मि, डोंट चैलेंज मी, अगर मैंने तय किया तो मैं स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग भी खरीद सकता हूँ। अरे जाओ जाओ, तुमसे बड़ा कामचोर मैंने जिंदगी में नहीं देखा। रश्मि, कुछ तो रहम करो मुझ पर, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, खबरदार मेरे नाम के आगे और कोई डिग्री लगाई तो। अब मैं तुम्हें प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं क्या हूँ। जानती हूँ, पहले इस महीने का दूध का बिल भरो, बाद में प्लास्टिक की बैग लेके शेयर्स खरीदने जाना। अरे तूने मुझे देखा नहीं? देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं। दुनिया दीवानी मेरे मेरे पीछे पीछे किस में दमिया, तेरा जो मेरे आगे रहा नहीं, मुझे टकरा नहीं, किस में भी आने। हम जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे, हम वो है जो दो और दो पांच बना दे। 10,000 दे 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 दे, 10,000 दे दे दे। राहुल शट अप, इतना एंटरटेन किया फिर भी मेरी मदद नहीं करेगी, लेकिन भाभी और भैया बिना एंटरटेनमेंट मेरी मदद करेंगे। हाँ, रश्मि ने हमारे पूरे खानदान को फटीचर कहा। अरे ये ही नहीं भैया, उसने कहा कि आप दुनिया के सबसे बड़े नंबर वन फटीचर लॉयर हैं। ओहो, कानून व्यवस्था का अपमान, अब ये कृष्णकांत चुप नहीं रहने वाला। वेरी गुड, बोल मेरे भाई राहुल, तुझे कितने पैसे चाहिए? भैया मुझे, बोल, मुझे 10,000 रुपए चाहिए। फटीचर कहीं का? अच्छा किया जो रश्मि ने तुझे फटीचर कहा, 10,000 रुपए से क्या होने वाला है? अरे 40-50 हजार के शेयर्स खरीद। नहीं नहीं भैया, मैं इतनी जल्दी आपकी तबीयत हिलाना नहीं चाहता। तो फिक्र मत कर राहुल, तेरे पैदा होते ही हमारा पूरा खानदान हिल गया था, तेरे पैदा होने के बाद हमारे खानदान ने लाखों का नुकसान उठाया है, अब 40-50 हजार रुपए से क्या होने वाला है? ओ भैया, यू आर ग्रेटेस्ट, आप दे रहे ना मुझे रुपए? दे रहा हूँ। राधु भैया, आप भाभी को क्यों बुला रहे हैं? मैंने तो पैसे के लिए हाँ कह दी, लेकिन पैसे तो राधु से ही लेने पड़ेंगे ना। राधु, लगता है रुपए उधार चाहिए, तभी इतनी मीठी आवाज में पुकार रहे हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है राधु, मेरी आवाज तो पहले से ही मीठी है। अच्छा? तुम जानती हो घर से तो मैं सिंगर बनने के लिए ही निकला था, लेकिन स्टेशन पे भूल गया तो यहाँ आके लॉयर बन गया। बच गए हम, बच गए। हाँ। वरना जबरदस्ती हमें एक म्यूजिक वीडियो देखना पड़ता। अच्छा बोलो, किस लिए चाहिए रुपए? भाभी, रुपए इनको नहीं मुझे चाहिए। क्यों रे उधार चल, इस बार रुपए क्यों चाहिए तुझे? भाभी, मैं स्टॉक एक्सचेंज की हालत सुधारना चाहता हूँ। कैसे? कैसे? इन रुपयों से मैं शेयर्स खरीदूंगा। शेयर्स के लिए मैं किसी को भी पैसे उधार नहीं देती। भाभी, ये हमारे फटीचर खानदान की इज्जत का सवाल है। राधु, तुम चाहिए तो मेरा स्कूटर गिरवी रख लो। वो फटीचर स्कूटर? हाँ, लेकिन मुझे पैसे उधार दे दो। भैया आपको नहीं, मुझे। हाँ ठीक है, तुम्हें पैसे मैं दे दूंगी। हाँ। लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? ये पैसे मुझे एक हफ्ते के अंदर लौटाने पड़ेंगे। क्यों, इसमें हंसने की क्या बात है? अरे 2 दिन में लौटा देगा, एक हफ्ते के बाद तो 50-60 की और जरूरत पड़ेगी। हेलो मिस्टर ब्रोकर द ब्रोकर, नमस्ते, मैं राहुल बोल रहा हूँ। अच्छा देखिए, आप सीटीएल कंपनी के 500 शेयर्स खरीद लीजिए और रिलायबल कंपनी के 1,000 शेयर्स खरीद लीजिए। क्या दोनों कंपनी डूबने की तैयारी में? कोई बात नहीं मिस्टर ब्रोका, मैं हमेशा डूबती हुई कंपनियों को बचाने की कोशिश करता हूँ। आप फिक्र मत करिए, आप खरीद लीजिए। ओके ओके। हेलो चाचू, मैंने तुझसे कितनी बार कहा हर्ष, जब मैं कोई अच्छा डील क्रैक कर रहा हूँ तब मुझे अपना मुंह मत दिखाया कर। अभी कमाल करते चाचू, आप भूल गए कि ये चेहरा इस फैमिली के लिए कितना लकी है। लकी माई फूड, कैसे लकी? अरे चाचू, जब मॉम ने अपनी ब्यूटी पार्लर की ओपनिंग की थी ना, उस वक्त नारियल मेरे हाथों से फोड़ा था
और तो और उन्होंने शगुन की तौर पर मुझे 100 रुपीज दिया था, जिसकी वजह से उनका बिजनेस आज 100% प्रॉफिट में चल रहा है। ओके ओके हर्ष ओके। मैं भी कुछ लोगों को जानता हूँ जो अपने दिन की शुरुआत गधे का मुंह देखकर करते हैं। हेला 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 500 रुपए निकालिए। गधा बोला इसलिए 500 रुपए फाइन, सॉरी आगे से नहीं बोलूंगा। उसने नहीं चाचू, जरा सोचिए, इमेजिन मॉम ने मुझे 100 रुपीज दिए थे, जिसकी वजह से उनका बिजनेस 100% प्रॉफिट में चल रहा है, तो आप अगर मुझे 500 रुपए देंगे तो आपका बिजनेस 500 प्रॉफिट में चलेगा। क्या बात कर रहे हैं, ये ले 10 रुपए। हाँ, मेरे धंधे का असूल है, मैं सिर्फ 10% प्रॉफिट पे काम करता हूँ। क्या धीरे धीरे ऊपर बढ़ो। ठीक है, तो मैं आज इस 10 रुपए से एक जहर की शीशी खरीदता हूँ। वो क्यों? आपके लिए। धीरे धीरे ऊपर जाइए। अरे तिरछी टोपी वाले बाबू भोले भाले कौन हो तुम? राहुल। अरे हाँ, ये तो वही है। मिठाई खाइए, मिठाई खाइए। इस खुशी में कुछ और रुपए उधार चाहिए क्या? अरे भाभी, मैं आपकी उधारी चुकाने आया हूँ। हाँ? मुझे स्टॉक मार्केट से 1 लाख रुपए का फायदा हुआ है। देखा राजू, मैंने कहा था ना, ये लंबी रेस का घोड़ा है, देखो घोड़े। भैया घोड़ा, सॉरी राकेश। राहुल राहुल, वो जो 1 लाख रुपए है ना, वो शेयर्स में लगा दो। क्रिश, ये क्या कह रहे हो तुम? अरे मुझे अपने भाई पर पूरा भरोसा है, वो 30,000 के 1 लाख रुपए करके आया, तो 1 लाख के 30 लाख करके भी आ सकता है। भाभी जरा सोचिए, मेरी किस्मत कितनी बुलंद है कि आज डूबे हुए शेयर मार्केट से भी मुझे इतना फायदा हो रहा है। ठीक है राहुल, लगा दो 1 लाख रुपए शेयर्स में। ओहो, यस, ब्रोकर द ब्रोकर। राहुल को फोन देना मतलब क्या? मैं राहुल बोल रहा हूँ, ये मेरा ही मोबाइल है, बोलिए। हाँ हाँ हाँ, खरीद लीजिए, मैं कह रहा हूँ आपको खरीद लीजिए। यस। राहुल, तुमने मोबाइल कब खरीदा? अरे मोबाइल क्या रश्मि, मैं बहुत जल्द ऑटोमोबाइल भी खरीदने वाला हूँ। ऑटोमोबाइल? ऐसे क्या देख रही हो, क्या मैं गाड़ी नहीं खरीद सकता? नहीं नहीं, तुम गाड़ी खरीद सकते हो, लेकिन पहले ट्रैफिक पुलिस से बता देना कि तुम गाड़ी चलाने वाले हो। रश्मि नॉट नाउ, ये मजाक का वक्त नहीं है। जानती हो मैं अपनी एक्सीडेंट पॉलिसी कितने की निकालने वाला हूँ? कितने की? 20 लाख रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर गाड़ी चलाते वक्त मुझे कुछ हो जाता है तो तुम्हें कितने रुपए मिलेंगे? 20 लाख रुपए। तब तो तुम गाड़ी खरीद ही लेना। खुश मत हो जाओ रश्मि, मैं ड्राइवर भी रखने वाला हूँ। अरे राहुल, वहाँ बालकनी है। जिसके भी घर में मैं जाता हूँ वो लोग का डिवोर्स हो जाता है। अरे घर में जाने के बाद छोड़ो, जिसका भी दरवाजे के पास मैं गुजरता हूँ ना, अंदर वो लोग का डिवोर्स हो जाता है। इसलिए सब लोग ने अपने अपने वॉचमैन को टारगेट कर दिया है कि ये आदमी को कंपाउंड में भी आने नहीं देता। लेकिन दिनसु ऐसा होगा तो फिर मेरी प्रैक्टिस का क्या होगा? तुम्हारा प्रैक्टिस गया बाहर में, मेरा प्रैक्टिस क्या? सोचो, मैं तो तुम्हारा छोटा भाई राहुल को मिलने को आया। हमने सुना है कि शेयर बाजार में बहुत पैसा बनाया है। तुम भी शेयर बाजार में पैसे लगाना चाहते हो? शेयर बाजार, तुम्हारा भाई राहुल को एक नया स्कीम का आइडिया देने के लिए। कौन सा स्कीम का बात कर रहे तुम? वेरी गुड, मनी ग्रोइंग स्कीम। मनी ग्रोइंग स्कीम, वो क्या है? वेरी सिंपल, पैसा बढ़ता है, 1 का 3 होता है। आइडिया देखो, पब्लिक में से तुम 10,000 रुपया दो और नेक्स्ट वीक को वो लोग को 30,000 रुपया दे दो। 1 मिनट, मानो कि मैं तुम्हारा बात मान लिया और समझो पहला वीक में मेरे पास 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आया, लेकिन अगले हफ्ते मैं उसको 3 लाख रुपए कहाँ से देगा? वेरी सिंपल, तुम्हारा गर्मा गर्म स्कीम का बात सुनकर तुम्हारे पास पब्लिक में से 5 लाख का नया इन्वेस्टर आ जाएगा। वो 5 लाख में से 3 लाख रुपए उसको देने का, 2 लाख रुपए अपना जेब में डाल देने का। और ये चेन कभी खत्म नहीं होगा, चलते ही रहेगा। राहुल मेरे भाई, स्कीम तो चलता रहेगा लेकिन तेरा बाकी सब बंद हो जाएगा। इससे तो अच्छा है जितना पैसा कमाया है वो लेके बैठ जा, बाकी ये फ्रॉड स्कीम है, कहीं तू पकड़ा गया तो दफा। अरे भाई, दफा कुछ नहीं है, जितनी दफा आदमी को पकड़ने के लिए ना, उससे डबल दफा आदमी को छुड़ाने के लिए। एक चीज याद रख लो, बड़े बड़े बुल छुट गए तो ये छोटा बुल का क्या? दूर से तकलीफ होता है। अरे दिनसु सेठ, 5 लाख रुपए जमा ऑलरेडी हो चुके हैं और 10 लोग आ रहे हैं 5-5 लाख रुपए लेकर, जिनको 1 हफ्ते में 5 लाख के 15 लाख चाहिए।
अरे मैं जानता हूँ, इतना पैसा मार्केट में घुमा रहा हूँ, वो सब सिखाने की जरूरत नहीं है। ओके ओके यस। ये तुम क्या कर रहे हो? पैसे गिन रहा हूँ। ये पैसे गिनना बंद करो और ये धंधा बंद कर दो। इतना लालच अच्छी बात नहीं है, प्लीज राहुल। रश्मि, ये लालच नहीं है, ये बिजनेस है। मैं मार्केट में बिग बुल बनना चाहता हूँ। यस, बिग बफेलो, बिग बुल, जो कुछ भी हो। ये पैसे तुम्हारे नहीं है राहुल, ये पब्लिक का पैसा है। रश्मि, तुम न कहती थी कि तुम्हें एक फार्म हाउस चाहिए? अगर ये पैसे हमारे हो गए तो इन पैसों में से मैं तुम्हारे लिए एक फार्म हाउस खरीदूंगा। सच? पूछो कहाँ? कहाँ? शारजा में। शारजा में? Yes, and that farm house will be attached with bungalow. Bungalow? And that bungalow will be attached with lots of bedrooms. Bedroom? And those bedrooms will be attached with lots of bathroom. Bathroom? And those bathrooms will be attached with gold taps. And those gold taps will be running golden water. बस राहुल, मैं पागल हो जाऊंगी। राहुल, thanks. मैं अभी आई। कहाँ जा रही हो? गोल्ड टैप्स होंगे तो चांदी की बकेट चाहिए ना, मैं वो खरीदने जा रही हूँ। ओ चांदी, इधर लो, ये पैसे अभी हमारे हुए नहीं। जब ये पैसे हमारे होंगे तब जाना खरीदने चांदी की बकेट। अभी शांति से बैठो। गुड मॉर्निंग चाचू। गुड मॉर्निंग चीची। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चाचू, मैं सोच रहा हूँ मैं आपकी तरह कोई बिजनेस शुरू करूँ, इसलिए है ना मेरे पास एक बहुत फैंटाबुलस स्कीम है। Yes, बोलो, do रेखे बोलो। चाचू, आप है ना मुझे 2 लाख रुपए दे दीजिए, 2 दिन में मैं उसके 4 लाख बना दूंगा, उसके बाद 3 लाख रुपए आप रख लेना, 1 लाख रुपए मैं रख लूंगा। हाउ इज इट? सॉरी, मैं तुमको रुपए नहीं दे सकता। सॉरी। क्यों क्यों? बट फ्लॉप स्कीम है। पैसे तो आपको देने पड़ेंगे चाचू, एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये जो आपके पास रुपए है ना, वो आपने हमारे पैसों में से कमाए थे। बोलो। So what? देखा राधु, पैसे आते ही इस टोपी की नियत बदल गई। What do you mean टोपी? ये हमारी कमाई की टोपी है। Yeah. Forget it Rahul, ये सब हमसे जलते हैं, जल्लू है ये सब। इनसे बात नहीं करते, इनका मुंह नहीं लगते। Yeah, किसी और का मुंह लगते। Yeah, come on. देखा राधु, जाना कहीं था फिर से कहीं और चला गया। पहचानो पहचानो अपने भाई को, पैसे क्या आ गए, भाषा ही बदल गई। कितनी खराब हिंदी बोल रहा था राधु। ये इसी तरह भाड़े के कोट पहनता रहा और इसी तरह इसका लालच बढ़ता गया तो ये फिर से भिखारी बनने वाला है। नहीं क्रिश, ऐसा नहीं होगा। हेलो ब्रोकर द ब्रोकर, माल खरीद लो, कंपनी डूब रही है, न्यूज कंफर्म, खरीद लो माल। यस, खरीद लो। इसके साथ टर्नओवर हो गया 20 लाख। यस। अपना नंबर क्या है? और यू टू 6363599। हेलो, अबे फोन उठा बे। ओह सॉरी। हेलो हेलो, क्या अपन राहुल देसाई के साथ बात कर सकता है क्या? यस, राहुल देसाई स्पीकिंग, आप कौन बोल रहे हैं? पिंटू मात्रे। पिंटू मात्रे हु? अंडरवर्ल्ड का सबसे खतरनाक शूटर। क्या हुआ बे? शूटर? हाँ शूटर। सुन बे, अपन को पता चले ला कि तेरे पास 20 पेटी माल आ गया है। देख, उसमें से 10 पेटी अपन के पास आना चाहिए, नहीं तो कल कबूतर खाने के सामने तेरी लाश मिलेगी। सुना क्या? सुना। राधु, मुझसे बगैर पूछे अंदर कहाँ जा रहा है? हैं, कौन है तू? एक मिनट, हाँ पूछ के बताता हूँ। राधु, राधु क्या करता है? चेकिंग करनी है तेरी। मेरे घर में मेरी चेकिंग करेगा? तू कौन है? अपन राहुल साहब का बॉडीगार्ड है। तू बॉडीगार्ड है, लेकिन तू तो किसी बियर बार का वेटर लग रहा है। सवाल सवाल की बात करने का, अपने को राहुल साहब का हुक्म है क्या बगैर चेकिंग के किसी को अंदर जान देने का? नहीं। अच्छा, अभी तेरे राहुल साहब को चेकआउट करता हूँ, छोड़। राहुल, राहुल। यस, ये सब क्या है? सॉरी भैया, टाइगर स्टैंड देयर। लोमड़ी को टाइगर बोलता है, ये क्या है, कौन है ये? भैया क्या बताऊं, मुझे अंडरवर्ल्ड से धमकी मिली है, इसलिए मैंने अपने प्रोटेक्शन के लिए बॉडीगार्ड रखा है। अरे प्रोटेक्शन वोटेक्शन छोड़, तू अंडरवर्ल्ड वाले को जानता नहीं है। तूने पिंटू मात्रे का नाम सुना है? भैया वही तो है जिसने मुझे फोन पे धमकी दी, 10 लाख रुपए मांगे। क्या बात
बात कर रहा है? दे दे 10 लाख फौरन दे दे। अरे तू पिंटू मात्रे को जानता नहीं है राहुल, बड़ा ही डेंजर आदमी है। वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचता है और पुलिस के सामने ही मर्डर करता है। माय गॉड, इतना खतरनाक है? बहुत ही खतरनाक है। अगर उसने तुझे कहा कि कबूतर खाने के सामने तेरा गेम बजाऊंगा तो वो कबूतर खाने के सामने ही गेम बजाएगा। माय गॉड भैया, उसने फोन पे वही कहा, कबूतर खाने के सामने कहेगा ना, वो तो उसका फेवरेट स्पॉट है। फौरन 10 लाख रुपए का इंतजाम कर। अब क्या होगा राहुल? राकेश, राकेश नहीं राहुल, टेंशन में सब भूल जाता है तू। मैं अभी पैसों का इंतजाम करता हूं। जा, ए टाइगर इधर आ, इधर आ। हमारे पड़ोसी के पास एक कुत्ता है, उसके पास जाके बैठ जा, वो तुझे ट्रेन करेगा। जा जा। क्या परफॉर्मेंस दिया है, सीख हर्ष कुछ अपने डैड से। तुम नहीं जानती राधु, पहले तो मैं एक्टर ही बनने निकला था, प्लेटफॉर्म पे पहुंचा। तुम भूल गए और तुम लॉयर बन गए, मैं सब जानती हूँ। राहुल एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। तुम लोगों को बोलते हो कि सिर्फ एक ही हफ्ते में 10,000 की 30,000 रुपए हो जाते हैं, वो कैसे? ओहो रश्मि बैठो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। वहाँ नहीं, यहाँ बैठो। देखो रश्मि, हमारी ये स्कीम सुन के हजारों इन्वेस्टर्स आएंगे। ओके उसमें से मान लो कि इस हफ्ते हमारा कलेक्शन हुआ 2 लाख रुपए, और अगले हफ्ते हमारा कलेक्शन हुआ 10 लाख रुपए, तो उन 10 लाख में से हम पुराने 2 लाख वालों को दे देंगे 6 लाख रुपए, और बाकी के 4 लाख हम अपने पास रखेंगे। सिंपल। लेकिन राहुल कभी ना कभी तो सारे पैसे चुकाने ही पड़ेंगे ना। अरे मेरी बोली रश्मि, हमारे देश में फुकट में पैसे कमाने वालों की कमी है ही नहीं। हमारे इन्वेस्टर्स कभी खत्म होंगे ही नहीं। ओके। नया पैसा आएगा, उसमें से थोड़ा सा पुराने वाले को चुका, नया आएगा थोड़ा पुराना चुका। नया आया। हेलो कौन? पिंटू मात्रे। अरे राहुल धीरे से। क्यों बे, 10 पेटी लेके आ रहा है ना? और सुन, कबूतर खाने के पास अपुन का आदमी मिलेगा। ओके ओके। रख बे। डर गया। अरे घर में कोई है क्या? कौन है घर में? इंस्पेक्टर टकले आप कहिए, कैसे आए? मैं राहुल को अरेस्ट करने आया हूँ। राहुल को अरेस्ट क्यों? चीटिंग के केस में। चीटिंग की है राहुल ने किसके साथ? हाँ, मनी ग्रोइंग कंपनी खोलकर रुपये बना दिए, अब ऑफिस को ताला लगा दिया। कहाँ है वो? कहाँ है? राहुल। कमिंग भाभी। ओह हेलो इंस्पेक्टर ठकले, हाउ आर यू? चलो मेरे साथ। कहाँ? यू आर अंडर अरेस्ट, तुम्हें पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। चलो। क्या? अरे भाभी, इंस्पेक्टर चकली। चकली नहीं टकले। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं इसे अरेस्ट करने आया हूँ। किस जुर्म में? लोगों के पैसे डुबाने के जुर्म में। मेरे भाई ने किसी के भी पैसे नहीं डुबाए हैं, वो सबको वापस देने वाला है। देने वाला है ना? नहीं। देने वाला हूँ, देने वाला हूँ। देखो कल तक अगर पैसे नहीं लौटाए तो सीधा सेंट्रल जेल। नहीं, मैं सबके पैसे लौटा दूंगा। लौटा दे। तो फिर पहले मेरे 10,000 वापस कर दो। क्या आपने भी पैसे लगाए थे? ऐसा मत करो वरना ये मूंछ के बाल भी झड़ जाएंगे। इंस्पेक्टर साहब, आपके 10,000 रुपए प्लीज। ओके, लेकिन तुम्हारी स्कीम में तो 10 के 30,000 मिलते हैं, ऐसा कहा था मैंने। और क्या? ए भगवान, मैं भी क्या बकते रहता हूँ। ये लीजिए 20,000 और, लेकिन मेरी जान छोड़िए प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। अब रोने से क्या फायदा है राहुल, गलत तरीके से पैसे कमाओ तो ऐसे ही होता है। अब जाओ, जाकर सबके पैसे लौटाओ। जाओ, चलो, जाओ, जाओ। राधु, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि तुम अगर नहीं होती तो इस घर का क्या होता। तुम्हें कुछ काम है मुझसे? राधु yes? दरअसल मैं भी शेयर्स में पैसे लगाना चाहता हूँ। क्यों देसाई साहब, कैसी रही एक्टिंग? अरे बहुत ही अच्छी एक्टिंग की इंस्पेक्टर टकले, आपने तो मेरे भाई को सुधार दिया। बिग बुल बनने जा रहे थे ना, बिग बफलो ही बन के रह गए। इसलिए कहती थी ज्यादा लालच अच्छी बात नहीं है। हाँ रश्मि, मेरा गोल्डन बिग बहुत जल्दी खत्म हो गया, लगता है फिर से मुंडी बैटमैन की किताब पढ़नी पड़ेगी। पढ़ो इसे। इसमें लिखा है तुम्हारा दूसरा गोल्डन पीरियड बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, लेकिन फिर से सावधान, काय का सावधान, जो घाटा होना था हो चुका। पिंटू मात्रे मेरी कमाई के 10 लाख रुपए फुकट में ले गया। नहीं राहुल नहीं, ये लो तुम्हारे 10 लाख। मेरे 10 लाख? तुमने पिंटू मात्रे को दिए थे ना? हाँ, आपके पास कहाँ से आए? क्यों, आप उन्हीं तो है पिंटू मात्रे। भाभी।